हाय गाइस, तो आज हम जो है फिर परसेंटेज का जो है अगला जो है नेक्स्ट वीडियो आज बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपका क्या हुआ परसेंटेज, जो भी हमने बेसिक पढ़ाया था आज हम उसी पे जो है थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज कुछ नए उसका जो है कुछ हम आपका स्टार्ट करेंगे। आज जो है कुछ बेसिक बताएंगे, बेसिक बात जो है उसको कुछ ट्रिक भी आज हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो मैंने जो है तो जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या बताया था, जैसे हमने बोला था परसेंटेज में कि जैसे मैंने बोल दिया कि अगर 7 तोते हैं, 7 आदमी हैं, ठीक है, या 60 रुपये है, पहले 60 रुपया था, ठीक है, 60 रुपये था, अब वो घटकर जो है कितना हो गया, 20 रुपये हो गया, तो कितने परसेंट की कमी आई। तो परसेंटेज कमी पूछा जा रहा है, तो कितने कमी आई, 60 से 20 हो गया तो कितने कमी आई, 40 की कमी, तो कितने पर कमी आई, 60 पे आ गई। परसेंटेज निकालना है मुझे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मैंने बताया था 2 2 2 3 3 3, तो ये हो जाएगा 100/3, और 100/3 के क्या बोलते हैं हम लोग, 33.1/3%, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक और कुछ इसके हम लोग ट्रिक भी बताएंगे इसके हम आपको, ठीक है, ठीक है। तो इसके अगर हमको ट्रिक निकालना हो तो ट्रिक निकालेंगे, अगर हम इसका ट्रिक कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना है कि अगर जैसे मुझे निकालना है कमी परसेंटेज कि कितने परसेंट की कमी आई, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कुल कमी, कुल कमी लिखेंगे, कुल कमी गुणे 100/ प्रारंभिक मान, ठीक है। तो आपकी कितनी जो है इसमें कितने वैल्यू की कमी आई है वो लिखेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई 100/ प्रारंभिक मान करेंगे तो आ जाएगा, जिससे कुल कमी कितनी हुई थी, 40 गुणे 100/ प्रारंभिक मान कितना था, 60 था, इसको सॉल्व कर दिया तो 33/1/3%, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, अगर इससे जो है हमारा वृद्धि का क्वेश्चन हो, जैसे अगर कह दिया हमने क्वेश्चन का कह दिया कि पहले हमारे पास 40 था, अब हो गया बढ़कर 60, पहले 40 रुपये हमारी सैलरी थी, अब हो गई 60 रुपये की सैलरी, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो क्या करेंगे, वृद्धि के फॉर्मूला परसेंटेज का ये फॉर्मूला लगा देंगे, वृद्धि परसेंटेज बराबर कुल वृद्धि, कुल वृद्धि गुणे 100/ क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, कुल वृद्धि कितनी हुई, 40 से 60 तो 20 इंटू 100/ प्रारंभिक मान कितना है, 40, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सॉफ्टवेयर से भी, क्लियर है, बात समझ मारी, ठीक है। आज हम जो है अब इसके आगे का बताते हैं, एक क्वेश्चन जो है मैं क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका ये है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले जो है इसकी सैलरी प्रतिदिन की 80 रुपये थी, अब जो है ये हो गई आपकी 60 रुपये, तो सॉरी 96 रुपीज हो गई है, ठीक है। तो कितने की जो है वृद्धि हुई है, इसका क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, कि किसी बस की कीमत जो है पहले 1200 थी, अब इसकी कीमत हो गई 1500, तो कितनी जो है इसकी इंक्रीज परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, ये इसको आप ठीक से फॉर्मूले से आप लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कह दिया गया कि पहले जो है किसी का एरिया जो है 10% था, अब उसकी एरिया फिर बाद में बढ़कर जो है 20% हो गई, ठीक, तो उसके कुल एरिया में कितनी वृद्धि हुई, या पहले सैलरी थी 10%, ठीक, 10% इंक्रीज हुई थी, अब सैलरी उसकी बढ़कर जो है 25% इंक्रीज हो गई, तो टोटल उसके ओवरऑल कितनी सैलरी में इंक्रीज हुई, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इसके क्षेत्रफल में पहले 10% की वृद्धि हुई थी, ठीक है, बाद में इसकी परसेंटेज बढ़ गई 20% हो गई, ठीक है, इसका जो एरिया था पहले एरिया ये था, अब एरिया इसकी ये हो गई, ठीक है, तो ओवरऑल जो है इसकी एरिया कितनी इंक्रीज हुई, तो फॉर्मूला हम ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे इसका, हम शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, x परसेंटेज प्लस y का परसेंटेज प्लस x इंटू y अपॉन 100 कर देंगे तो आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100, ठीक है, यहां से आप सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा 32%, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन आपका पहला, जैसे इसमें हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा इस फॉर्मूले पे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, चौथा क्वेश्चन ये रहा आपका, और तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब इसके आगे का जो है कुछ और ट्रिक बताते हैं, ठीक है। सीता की आय, गीता की आय से 10% अगर कम है तो पूछा जाए गीता की आय सीता से कितने परसेंट अधिक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाए तो कैसे करेंगे, पहले बेसिक देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका सीता की आय, सीता की आय, गीता की आय से, आय से 10% कम है, 10% कम है, ठीक है। 10% क्या है आपका, कम है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी कहा जाए कि इनसे, कभी भी कहा जाए जैसे राम की आय श्याम की आय से 10% ज्यादा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा इसको हम 100 मान के चलेंगे, इसको हमेशा एक का 100 मान के चलेंगे, ठीक है। 10% इसका जो है इससे कम है तो इसको हम 100 मानेंगे, और 10% वृद्धि हुई तो इसको मानेंगे 110, ठीक है। अगर गीता की आय 10% जो है इसकी सीता की आय से, गीता की आय से 10% कम है, तो यानी इसको 100 मानेंगे, तो 10% कम है तो इसको 90 मानेंगे। हमेशा 10, जैसे 20% की वृद्धि हुई तो क्या बोलेंगे, 120 बोलेंगे। 20% की कमी आई, ठीक है, वृद्धि हुई तो 120, कमी आई तो हम क्या बोलेंगे, 80 बोलेंगे। 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 110। 10% की कमी आई अगर आपकी तो क्या बोलेंगे, उसको 90 बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन है आपका ये है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका। तो इसका पहले बेसिक अगर लगाएंगे तो बेसिक लगाएंगे, सो पहले गीता की आय से सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है, तो गीता की आय 100 है, ठीक है, और सीता की आय कितना है, 90 है, तो कितने की ज्यादा हुआ, 10, ठीक है, कितने पे जो है ज्यादा हो रहा है, 90 पे हो रहा है आपका, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, 100 कट गया आपका, तो 100/9 हो गया, ठीक है, तो 11/9% आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर लगाया जाए तो कैसे लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो लिखेंगे 100% में कमी बटे 100 माइनस कमी परसेंटेज, ठीक है, ऐसा सॉल्व करेंगे। अगर हमारा ये कमी का परसेंटेज था, ठीक है, अगर वृद्धि का परसेंटेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 100 वृद्धि परसेंटेज, ठीक है, बटे 100 प्लस वृद्धि, ठीक है, तो हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 कमी कितनी आई है, 10/100-10, तो ये हो जाएगा 1000/90, सॉल्व कर देंगे तो आपका यही 11/9% आ जाएगा, क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है, ठीक है। एक नेक्स्ट टाइप का जो है आपका, हम एक नेक्स्ट टाइप का आपका हम बताने जा रहे हैं उसको भी। जैसे अभी हमने बताया कि पहले जो है राम की सैलरी पहले 10% इंक्रीज हुई, ठीक है, बाद में जो है उसकी सैलरी 20% इंक्रीज हुई, ठीक है, तो ओवरऑल राम की सैलरी कितने परसेंट की इंक्रीज हुई, तो क्या करोगे, इसको आपने माना था यक्स, इसको माना था आपने वाई, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाया था, यक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन 100 किया था, 10 + 20 + 10 × 20/100, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 30 + 200/100, इसको काट दिया तो 32% आएगा, क्लियर है। अब इसी का जो है, जैसे हमने कह दिया राम की सैलरी पहले 10% थी, अब ये घट के हो गई 5%, पहले 5 10% घट इंक्रीज हुई, लेस हुआ, डाउन हुआ, पहले 10% इंक्रीज,
फिर इसका 5% इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो कुल कितने परसेंटेज की जो है इसके अंदर कमी आई, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां पे जो है जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे क्या फॉर्मूला लगेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब माइनस 10 माइनस 5 प्लस माइनस 10 इंटू माइनस 5 अपॉन 100 सॉल्व कर देंगे तो माइनस 50 प्लस 50 अपॉन 100, ठीक है, तो यह जाएगा 1/2, तो माइनस 15 प्लस 1/2 सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 30, तो माइनस 29 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा, ये आपका इतने परसेंटेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसको हम सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा आपका, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और ये पांचवा क्वेश्चन। अब ये सब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट में हमको बताइएंगे, ठीक है, तो हम उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।